जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं चैतन्य कुमार झारखंड के फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग उत्पाद सिपाही भर्ती जो 2022 निकाली गई है उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन हमारे प्यारे व्यूअर द्वारा पूछा जा रहा है उसका जवाब आज हम इस वीडियो में आपको अब तक पहुँचाएंगे। और जो एक्साइज कॉन्स्टेबल का जो रनिंग से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, जैसे कि सर इसका एडमिट कार्ड कब जारी होगा और क्या इसका दौड़ जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा या फिर परमंडलीय में होगा, फिर इसका क्या दौड़ अप्रैल माह में ही ले लिया जाएगा या फिर मेडिकल जो दौड़ होगा दौड़ के बाद क्या मेडिकल होगा या एग्जाम लिया जाएगा, इससे विभिन्न प्रकार की जानकारी, फिर मेडिकल में किस प्रकार की जो मेडिकल है वो चेक किया जाएगा, किस तरह के मेडिकल चेक देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो अंतिम क्वेश्चन है वो स्पेशल ब्रांच भर्ती से संबंधित है कि क्या कुछ गजट में इसकी वार्ता हुई है उससे संबंधित यहाँ पे आप तक जानकारी ये शेयर कर पाएंगे, ठीक है। उम्मीद है ये सारे प्रकार के क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी उठ रही होगी और ये सारे क्वेश्चन का जवाब आपको अंतिम वीडियो के अंतिम तक आपको सारे डिटेल्स यहाँ पे जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो जानकारी मिल पाएगी। उम्मीद है कि इस तरह के सारे वीडियो आप तक इस चैनल के माध्यम से पहुँचती है, तो ये चैनल को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। चलिए जान लेते हैं पहला क्वेश्चन का जवाब कि दौड़ कहाँ लिया जाएगा, क्या दौड़ परमंडलीय जो मुख्यालय है परमंडलीय डिस्ट्रिक्ट जो मुख्यालय है वहाँ पे लिया जाएगा या फिर अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में लिया जाएगा। तो इसका जवाब ये है कि इसका दौड़ जो है परमंडलीय मुख्यालय में ही लिया जाएगा। जैसे उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, एग्जाम्पल लें कि उत्तरी छोटानागपुर का जो मुख्यालय है परमंडलीय उत्तरी छोटानागपुर जो है उसका मुख्यालय हजारीबाग है, हजारीबाग में एक ग्राउंड चूज किया जाएगा और उस ग्राउंड में ही दौड़ लिया जाएगा, ठीक है, रोड पे नहीं ग्राउंड पे दौड़ लिया जाएगा, ठीक है। जैसा कि पता है कि एक ग्राउंड जो होता है वो एक राउंड पूरा एक राउंड 400 मीटर होता है, ठीक है, 400 मीटर होता है। तो आपको क्या करना है, मेल कैंडिडेट के लिए 10 किलोमीटर कवर करनी है, 10 किलोमीटर कितने मिनट में, 60 मिनट में कवर करनी है, यानी एक घंटे में कवर करनी है। दूसरा फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर कवर करनी है जो 40 मिनट समय दिया गया है, ठीक है, ये 40 मिनट और 60 मिनट, ठीक है। तो जब कैंडिडेट एक ग्राउंड जो ग्राउंड में रनिंग करेंगे वो ग्राउंड यदि एक चक्कर लगाते हैं तो 400 मीटर कवर करते हैं। इस तरह से मेल कैंडिडेट के लिए 25 राउंड कवर करना होगा, 25 राउंड तब जाकर के वो 10 किलोमीटर कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है, एक ग्राउंड। दूसरा फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है कि 13 राउंड वो यदि कंप्लीट करती हैं तब जाकर के 5 किलोमीटर वो कंप्लीट कर पाती हैं। और कोशिश ये रहेगा कि आप ज़्यादातर प्रैक्टिस जो है रनिंग का प्रैक्टिस ग्राउंड में ही करें, क्योंकि ग्राउंड में जो गोल चक्कर होता है वो राउंड जो होता है वो राउंड में किसी तरह जो प्रैक्टिस होता है वो सबसे ज़्यादा योग्य होते हैं, क्योंकि झारखंड पुलिस से लेकर के जो SI दरोगा तक का जो बहाली किया गया था, जो भी कैंडिडेट सारे रनिंग निकाले हुए थे वो रेगुलर प्रैक्टिस ग्राउंड में किए हुए थे, ठीक है, और ये सक्सेसफुल रिजल्ट रहा है। तो ये जानकारी है कि ग्राउंड में ही दौड़ लिया जाएगा और मेल कैंडिडेट के लिए 25 राउंड वो ग्राउंड में लगानी है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 13 राउंड लगानी है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे है वो दौड़ अप्रैल माह में ही होगा, तो अप्रैल माह में ही होने का संभावना 90% बिल्कुल जताई जा सकती है, क्योंकि JSSC द्वारा जब भी कैलेंडर जारी किया गया है इससे संबंधित, जो JSSC जब भी कैलेंडर इसका जारी किया है तो एक्साइज कॉन्स्टेबल से संबंधित हर बार ये कैलेंडर में उन्होंने बताया है, नोटिस किया है कि अप्रैल माह में ही इसका रनिंग परिपूर्ण जो है किया जाएगा। तो 90% उम्मीद कह सकते हैं कि अप्रैल का जो अंतिम सप्ताह बोला गया है, जैसे कि 21 से लेकर के 21 से प्लस वाले जो डेट है उसमें आपका रनिंग ले लिया जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल प्रिपेयर रहें कि अप्रैल माह में ही इसका रनिंग लिया जाएगा, ठीक है। तीसरा बात करें एडमिट कार्ड से संबंधित, तो एडमिट कार्ड यदि अप्रैल माह में ही लिया जाता है चौथा सप्ताह आप यानी 21 से, तो इससे पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जाएगा जो कि 18 तारीख से 20 तारीख के बीच में आपको एडमिट कार्ड से संबंधित जानकारी JSSC के साइट पे देखने को मिलेगा, ठीक है। 18 से 20 तारीख के बीच आपको एडमिट कार्ड शो कर दिया जाएगा और रनिंग जो होगा, रनिंग में एडमिट कार्ड जो शो किया जाएगा वो जिस तरह से कैंडिडेट फिल किए होंगे, जो कैंडिडेट पहले फिल किए हैं उन लोगों के लिए पहले डेट मिल जाएगा, जो लोग लास्ट में फिल किए हैं उन लोगों के लिए लास्ट में यहाँ पे एडमिट कार्ड में रोल नंबर देखने को मिलेगा, और उसी तरह से डेट भी मिलेगा जो रनिंग के लिए डेट आपको कॉलिंग किया जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं चौथा क्वेश्चन कि दौड़ के बाद क्या होगा,
तो विशेषकर ये ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सिर्फ दौड़ के बाद क्या एग्जाम लिया जाएगा या मेडिकल। तो मैं बता दूं कि दौड़ के बाद जो है आपसे मेडिकल लिया जाएगा, ठीक है। आप दौड़ कंप्लीट कर लेते हैं, 25 राउंड कंप्लीट कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं। आपको कंप्यूटर में जाकर के आप वहां पे देख सकते हैं कि क्या हम क्वालिफाइड हैं। तो जो कैंडिडेट क्वालिफाइड 25 राउंड कंप्लीट कर लेते हैं वो क्वालिफाइड हो जाते हैं, और क्वालिफाइड होने के बाद जेएसएससी द्वारा एक लिस्ट जारी किया दिया जाएगा, और वो लिस्ट में जो जिन्हें मेडिकल के लिए कॉलिंग करनी है, मेडिकल के लिए बुलाया जानी है, उनका रोल नंबर और नेम वहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहले दौड़ लिया जाएगा, दौड़ में क्वालिफाइड हो गया, उसके बाद आपसे मेडिकल लिया जाएगा। ये भी जवाब हो गया आपके। फिर आते हैं मेडिकल में क्या क्या देखा जाएगा, ठीक है। तो मेडिकल में जो भी डिफेंस सेक्टर से संबंधित जितनी भी मेडिकल जांच होती है, ठीक है, जैसे कि चेस्ट वगैरह से संबंधित, और प्रॉपर तो हाइट होनी चाहिए क्योंकि मेल कैंडिडेट के लिए 162 है, ठीक है, जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट है 162 है। फिर बात कर लें फीमेल का, जो भी कैटेगरी, सब भी सारे फीमेल कैटेगरी का जो है 148 होनी चाहिए, ठीक है। जो फीमेल 148 है वो रनिंग के लिए अभी से भी प्रिपेयर होंगे, और जो मेल कैंडिडेट है 162 सेंटीमीटर है तब जाकर के वो रनिंग के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर रहे, और ये हाइट के लिए कंप्लीट हो गया। उसके बाद बात करें चेस्ट वगैरह से संबंधित, तो जैसा कि पता है 79 सेंटीमीटर पुरुष के लिए चेस्ट होनी चाहिए, फिर ये से फुला करके 85 होनी चाहिए, ठीक है, 84-85, ठीक है। उसके बाद बात कर लें दांत, दांत आपके साफ होनी चाहिए, नाक जो है आपके साफ होनी चाहिए, फिर कान वगैरह से भी, जैसे पर्दे वगैरह से संबंधित भी, किसी का मंस जो है पर्दे पर अटक जाती है, किसी का पर्दा छिद्र होता है, तो उसे संबंधित भी आप मेडिकल जांच करवा लें इससे पहले, यदि आपका दौड़ हो जा रहा है, ठीक है, दौड़ अच्छी तरह से है, तो आप पहले मेडिकल से संबंधित विशेष प्रकार के आप दांत साफ करवा लें, दांत किसी तरह से कटिंग छटिंग है तो उसे भरवा लें, ठीक है। कान वगैरह में यदि पर्दे में किसी तरह से है तो वो भी आप चेक करवा लें। फिर विशेषकर जो आँख है, यदि जो कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, उन लोगों के लिए विशेष जानकारी कि उन लोग विशेषकर पहले यहाँ से चेक करवा लें, फिर जो नियरेस्ट जो विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी से संबंधित भी आप मेडिकल चेक करवा लें, क्योंकि आपको रनिंग कंप्लीट करने के बाद, इधर मेहनत करने के बाद यदि आप उधर ही मेडिकल फिट नहीं है तो आपको मेहनत करने से थोड़ी ऑकवर्ड सी ये बात होती है, ठीक। सॉरी, अब बात कर लेते हैं स्पेशल ब्रांच से संबंधित भर्ती। स्पेशल ब्रांच से संबंधित भर्ती अभी तक गजट में किसी तरह से कोई वार्ता नहीं हो पाई है, और उम्मीद ये जताई जाती है कि पिछले बार जैसे 1012 सीट निकाली गई थी, अब इसमें सीट में बढ़ोतरी किया गया है, जो कि 1300 से लेकर 1400 तक यहाँ पे सीट आपको देखने को मिलेगा आने वाले दिन में स्पेशल ब्रांच से संबंधित, ठीक है। स्पेशल ब्रांच से संबंधित जो है 1300 से 1400 सीट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। उम्मीद है ये सारे प्रकार की जानकारी आप तक ये पहुंच पाए होंगे, और जो कैंडिडेट 10 किलोमीटर मेल कैंडिडेट के लिए जो 10 किलोमीटर 60 मिनट में कवर कर ले रहे हैं उन लोग के लिए गॉड ब्लेस यू, क्योंकि आप एक जवान हैं, मतलब झारखंड की जो सिपाही के तौर पे आप कार्यरत के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। फिर फीमेल कैंडिडेट के लिए जो 5 किलोमीटर 40 मिनट के अंदर कवर कर ले रही हैं, उन लोगों के लिए भी ये सांत्वना है कि आप लोग जो है सो एक फ्यूचर के लिए आप सिपाही भर्ती सरकार की सहयोग करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारे वीडियो की जितनी भी जानकारी है आप तक पूरी तरह से जानकारी शेयर हो पाई हो, जानकारी अपडेट हो पाई हो, और दोस्तों के साथ भी। विशेषकर आज की बातें ये है कि 11 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक इसका ऑनलाइन एडिटिंग डेट खोल दिया गया है, लॉगिन ओपन हो गया है, आप वहां जाकर के एडिट कर लेंगे ताकि आप ऐसे जो मौका है उससे दूर ना चले जाएं, ठीक है। तो इसे एडिट कर लेंगे, और यदि इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक प्रकार की इस तरह से जानकारी अपडेट मिल पाती है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ भी शेयर करके और उसे सब्सक्राइब करने हेतु विशेष जानकारी देंगे। धन्यवाद।